आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 37 हम सीख रहे हैं और आज भजन 37 की 35 आयत और 36 आयत को पढ़ेंगे। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, हाँ, जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है, हाँ, परंतु जब कोई उधर से गया, हाँ, तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, हाँ, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। मेरे आशीष हो। भजन 37 और भजन 73 और बाइबल के कुछ भजनों को और आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न का एक उत्तर हमें मिलता है। हम धरती पर पवित्र जीवन जीने की प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने आजू बाजू में दूसरे लोगों को देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। वो ना तो प्रभु का नाम लेते हैं, ना प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, ना सत्य के रास्ते पे चलते हैं। वो झूठ पर झूठ बोलते हैं और उन्नति करते चले जाते हैं और हम सत्य को पकड़कर हमें लगता है हम पीछे होते जा रहे हैं और हम दुख उठाते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ये प्रार्थना करने जाना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, सीधे रास्ते पे चलना, ये सब बेवकूफ़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों में कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छी रीति से समझ में आ जाए। तो काफ़ी दिनों से हम इस अध्याय को, भजन को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और आज मैं आपको बहुत ही गंभीर बातें बताने जा रहा हूँ। ये एक प्रश्न है, जटिल प्रश्न है, जो जिसको हम समझना चाहते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। यहाँ पर प्रभु का दास लिखता है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी यानी बढ़ते हुए और ऐसा फैलते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ निज भूमि पर फैलता और बढ़ जाता है। वो बढ़ के पेड़ के समान हो जाता है और हमें लगता है कि हम सूखते जा रहे हैं, छुआरे की तरह। हमारी लाइफ में कोई फ्लॉरिश, हम लोग समृद्धि की ओर नहीं आ रहे। वो दिन प्रतिदिन समृद्धि कर रहा है, कल वो साइकिल पे चलता था, आज गया मोटरसाइकिल पे है, मोटरसाइकिल से कार पर है, कार से पता नहीं कहाँ है। उसकी उन्नति को देखकर हम बहुत परेशान होते हैं और फिर हमें लगता है हमारी भक्ति बेकार है। ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है। हजारों साल सदियों से ये प्रश्न लोगों को परेशान कर रहा है। खुदा का शुक्र करते हैं कि बाइबल में इसका बहुत अच्छा उत्तर है। मैं कुछ आयतें आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम भजन 73 में थोड़ा सा चलते हैं। भजन 73 की कुछ आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वही बात लिखी हुई है। पढ़िएगा इसका तीसरा पद। क्योंकि हाँ, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था यानी उनकी बढ़ोतरी देखता, उनकी उन्नति देखता, तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था, तो मुझे अंदर से प्रॉब्लम होती थी। और ये नेचुरल है और होती भी है, बहुत से लोगों को अभी भी होती है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हाँ, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, हाँ, परंतु उनका बल अटूट रहता है। हाँ, वो दिन प्रतिदिन बल में बलवंत होते चले जाते हैं, उनकी उन्नति होती भी दिखाई देती है और इन बातों से हम बहुत परेशान हैं। चलिए अब 12 पद पढ़िए इसका। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं तो भी आराम से रहते हैं और हम कुड़कुड़ के रहते हैं। हमें दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए परेशानी है, उनको ये परेशानी है कि रखेगा। उनकी परेशानी क्या है? धन को रखेगा। हमारी परेशानी है लाएगा से। आगे, धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। क्या करते रहते हैं वो? धन संपत्ति को क्या करते रहते हैं? बटोरते रहते हैं। चलिए परमेश्वर के वचन में से यर्मिया नबी की किताब में जाएंगे और यर्मिया का 12वां अध्याय और उसके
एक दो पद को पढ़ेंगे। ए यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं, यर्मिया कहता है कि मुझे, मैं तेरे से एक मुकदमे की बात करता हूं, तो भी तू क्या है, तो भी तू धर्मी है, तो भी तू धर्मी है, और मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। मेरा मन एक विषय को लेकर परेशान है। किसका? यर्मिया का। देखिए, अय्यूब की किताब में भी आप जाएंगे तो आपको वहां भी मैं ले जाऊंगा। भजन संहिता में कई जगह ये प्रॉब्लम दिख रही है, और केवल वहां ही नहीं खत्म हो रही है, यर्मिया को भी दिख रही है। और यर्मिया तो इतना व्याकुल है, यर्मिया खुदा से बोल रहा है, मेरे को तेरे से एक विषय पर बात करनी है, वाद विवाद करना है। और वो विषय क्या है? दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। ये कहता है, खुदा मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं तुझसे, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि हम जो भक्ति का जीवन जीते हैं उनके लिए तो तूने लिखा है वो सब सताए जाएंगे, और ये जो दुष्ट हैं, दुष्टता के मार्ग पर चलते हैं, इनकी हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, ये सदा फलते फूलते रहते हैं और बड़े आशीषित रहते हैं, खुश रहते हैं, और उनकी हर चाल सफल हो जाती है। हमारी लाइफ में जहां देखो जहां असफलताएं हैं, निराशाएं हैं, ये एक बड़ा विवाद का प्रश्न है। और यर्मिया से रुका नहीं गया, यर्मिया ने तो खुदा के सामने अपने मन की बात खोल के रख दी। आप लोगों का तो प्रॉब्लम है, आप अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा के रह जाते हो। नहीं, कई सालों से ये प्रश्न आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन खुल के बोले कौन, खुल के आवे कौन सामने। मेरे से भी कोई नहीं पूछता कि भाई साहब ये तो बता दो, लेकिन यर्मिया ने इस बात को खुदा के सामने खुल के किया। मेरे मन में मैं एक दुविधा में हूं, मैं एक परेशानी में हूं, और वो परेशानी मैं तेरे सामने रखना चाहता हूं, इसका उत्तर दे। क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? क्या कारण है जो विश्वासघाती हैं, जो धोखा देते हैं, जो लोगों को पागल बनाते हैं, लोगों को धोखे में रखते हैं, वो तो सदा सुखी जीवन जीते हैं, और हम कुड़कुड़ के मर रहे हैं, हम परेशान हैं। आगे पढ़ दो। तू उनको बोता है और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे जड़ भी पकड़ जाते हैं, वे बढ़ते भी हैं और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। वो ऊपर से तो प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन मन में उनका तेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भी करते हैं और दुष्टता के काम भी करते हैं, भूत प्रेत भी निकालते हैं और दुष्टता में जीवन जीते हैं। ऊपर से वो तेरी भक्ति का आवरण धरते हैं, लेकिन उनका मन तो कहीं और ही लगा हुआ है। फिर उसके बाद, ए यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता भी है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा है, तूने तो मेरे को एग्जामिन किया है, मेरे को परखा भी है, और कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ, मैं तेरे साथ कैसा जीवन व्यतीत करता हूँ। और जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। और कब तक ये देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी। आगे, देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं। प्रॉब्लम, बेचारे पाप करते हैं हम, परेशानी होती है जानवरों को भी। अब 3.5 साल तक बाइबल में एक जगह पर पानी नहीं बरसा, सुनिए ध्यान से, कारण क्या था? अहाब की दुष्टता, राजा की दुष्टता। चलो मनुष्य तो दुख पावे जो पावे, लेकिन बेचारे हमारे साथ ये पशु पक्षी भी दुख उठाते, क्योंकि पानी नहीं है तो पीने का जाएंगे वो,
उनको तो बेचारों को नदी नाले भरेंगे तभी पानी मिलेगा ना। आप तो अपना जुगाड़ बोरिंग कर लेते हो, वो कौन सा बोरिंग करेंगे। तो मनुष्य की दुष्टता का फल बेचारे जानवरों को भी भुगतना पड़ता है। और लिखा है क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को न देखेगा। अब आप आइए भजन 73 और उसका जो अभी 12वां पद पढ़ा था क्या देखो। हाँ, ये तो दुष्ट लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर, सदा आराम से रहते हैं, धन संपत्ति बटोरते रहते हैं, धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। बस यहां रुकना है थोड़ा सा। कभी कभी धर्मी के मन में ये आता है, हम यूं ही जा रहे हैं कलीसिया में, अपना समय यूं ही दे रहे हैं, यूं ही अपना पेट्रोल जला रहे हैं, यूं ही दान दशमांश भेंटे दे रहे हैं, हमने यूं ही तौबा करी, हमने यूं ही बपतिस्मा लिया, हमने यूं ही, हमारी तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया। और ये दुष्ट कुछ भी नहीं करता, दुष्टता में जीवन जीता है, ये बढ़ रहा है, मैं घट रहा हूं। जब हमारी घटती होती है, जब हम हैरान दुखी परेशान होते हैं, लोगों का सताव हमारे लाइफ में आता है, तब ये प्रश्न हमारे जीवन में आता है, क्या फायदा मिला मुझे भक्ति से। कभी कभी पत्नी अपने पति को बोलती है, क्या फायदा मिला चर्च जाने से, भक्ति करने से। कभी कभी परमेश्वर के जो पुरुष होते हैं स्त्रियों को बोलते हैं, क्या हुआ तेरी भक्ति में, कुछ मिला तुझे, नहीं मिला ना। कभी कभी हमारा मन भी हमें बोलता है, क्या मिला तुझे, क्या फायदा हुआ तौबा करके बपतिस्मा लेकर इस कलीसिया में शामिल होने का, क्या फायदा हुआ। यहां लिखा है निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया। जीवन भर रिश्वत नहीं दी। निर्दोषता का मतलब यह है गलत काम नहीं किया, किसी को सताया नहीं, अवैध धन को अपने घर में लाया नहीं, अपने हाथ की कमाई पर भरोसा रखा, खुदा पर भरोसा रखा। उसका लाभ क्या मिला, एक अपना खुद का मकान भी नहीं बना पाए, और इसे देखो बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है। ये प्रश्न आपके जीवन में आपको परेशान करता है, परंतु जब आपके मन में ये आता है, जब आपके मन में ये आता है मेरी भक्ति व्यर्थ है, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। पुराने नियम में सुलेमान बादशाह कहता है, मैंने पृथ्वी पर ये देखा, मैंने पृथ्वी पर वो देखा, निष्कर्ष यह है कि सब व्यर्थ 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 है। लेकिन नए नियम में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:58 पढ़िए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। जो मार्ग पकड़ा है उसे पकड़े रहो, जो भक्ति का रास्ता अपनाया है उसे पकड़े रहो आगे, और प्रभु की आराधना में भक्ति में काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज सुबह जानो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में जो परिश्रम तुम कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे माता पिता ने मदार रहते थे, मदार यहां से भी 1.5-2 किलोमीटर आगे बहुत सारी कलीसियाएं पास में थी, रोमन कैथोलिक चर्च बिल्कुल बगल में था, मैथोडिस्ट चर्च बगल में था, लेकिन 5 जने थे हमारे
घर में, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, तीन बच्चे, माता पिता, पांच जने साइकिल पर क्रिश्चनगंज आना सागर आराधना करने जाते थे। कहाँ? और लोग हमारे को मदार के लोग पागल कहते थे, बोले देखो कैसा पागल आदमी है, कहाँ जा रहा है, पास में कलीसिया नहीं है, पास में चर्च नहीं है। मेरे पिता लोगों की दृष्टि में, मदार वालों की दृष्टि में पागल थे, लोगों की दृष्टि में ये मूर्खता थी। क्यों इतनी दूर जाते हो बर्नार्ड साहब? एक सच्ची भक्ति के लिए, एक सच्ची आराधना के लिए 70 मील भी जाना पड़े ना तो जाना। आपके पड़ोस में बहुत स्कूलें होती हैं, होती है ना? नहीं है? दोलावाडा में कई स्कूलें हैं, अजय नगर में कई स्कूलें हैं, फिर आप अपने बच्चे को एंसलम सोफिया में क्यों डालना चाहते हो? बगल में स्कूल नहीं है? क्यों अपने बच्चे को सोफिया, एंसलम या बहुत ऊंची स्कूल में आप दाखिला दिलाना चाहते हो? नहीं मिलता तो थक्के खाते हो, किसी पास्टर को पकड़ते हो, कैसे भी करके एडमिशन हो जाए, पास में स्कूल है ना, वहां क्यों नहीं डालते हो? आपको उसके उज्जवल भविष्य की चिंता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपको अपनी चिंता नहीं है। आप टाट पट्टी वाली स्कूल में अभी भी पढ़ना चाहते हो और पढ़ते ही रहना चाहते हो। आध्यात्मिक बातों में हम समझौता कर लेते हैं, कोई बात नहीं जी, क्या दिक्कत है। एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपने अपने बच्चे को डाल दिया, या किसी अच्छी स्कूल में भी आपने समझ के डाल दिया, और वो बच्चा पांचवी क्लास में आ गया और उसे अपना नाम नहीं लिखना आता, उसे ABCD नहीं आती, उसे कह के नहीं आता, उसे गिनती नहीं आती 100 तक, क्या करोगे? हैं? निकाल कर दूसरी स्कूल में डालेंगे। वहां हमें चिंता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक जगत में ए हमारे बाप की दुआ से संतुष्ट है। जहां है वहां संतुष्टि है। कभी अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रयास नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने तीन बच्चों को, मेरी मम्मी को, पांच जनों को लेके जाना और वापस लेके आना साइकिल से, ये मेहनत लगातार कई वर्षों तक की। वो मेहनत व्यर्थ गई है? रंग लाई? जो परिश्रम तुम प्रभु में करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? आपका किया हुआ जो परिश्रम अभी आप कर रहे हो, यहां जो आ रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। कहने का मकसद ये है, जो परिश्रम हम प्रभु में कर रहे हैं व्यर्थ नहीं है। कभी मत सोचना हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि प्रतिफल देने वाला हमें देख रहा है, प्रतिफल देने वाला हमें देख रहा है, वो हमें प्रतिफल देगा। अब सवाल यह है कि इस जटिल प्रश्न का उत्तर इस लेखक को कब मिला? पढ़िएगा, वापस आइए भजन 73 के अंदर और 14वीं आयत पढ़िए। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। प्रति भोर प्रभु मेरी ताड़ना करता है। और यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। आगे जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, ये वाली आयत समझना है,
मैंने निर्दोषता के जल से यूं ही हाथ धोए, मैंने यूं ही भक्ति का जीवन जिया। जब मैं ये गंभीरता से बैठकर सोचने लगा तो ये बात समझना मेरे दिल और दिमाग में, मेरी बुद्धि में आ नहीं रही थी, ये कठिन था। क्या लिखा है कि इसे मैं कैसे समझूं, इसे मैं कैसे समझूं कि दुष्ट क्यों बढ़ रहा है और मैं क्यों घट रहा हूं। मैं दुख उठा रहा हूं और दुष्ट जो है हष्टपुष्ट होता जा रहा है, हरे पेड़ के समान बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। कैसी समस्या है? कठिन समस्या है। ये बाहर रहने से समझ में नहीं आएगा। जो कलीसिया से बाहर हैं उनको ये कदाचित समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगली आयत में लिखा हुआ है 17वें पद में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, मैं कहां गया? ईश्वर के इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं प्रभु की उपस्थिति में गया। और जब मैं प्रभु की उपस्थिति में गया, उन लोगों के परिणाम को न सोचा, उनका परिणाम डेस्टिनेशन मंजिल, दुष्ट की मंजिल और भक्त की मंजिल। जब मैं अंदर आया, कलीसिया में आया, तब मुझे मालूम पड़ा दुष्ट की मंजिल और मेरी मंजिल दोनों अलग अलग हैं। मैंने कल बताया था दुष्ट की मंजिल काटा जाना और आग में झोंका जाना, जहां रोना और दांतों का पीसना, अर्थात नरक। पर मेरी और आपकी डेस्टिनेशन, भक्तों की डेस्टिनेशन मंजिल नरक नहीं है, स्वर्ग है। क्या आप इस बात से आनंदित हैं? आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो नरक को नहीं जाता, वो स्वर्ग को जाता है। कांटे जरूर हैं, सकड़ा भी है, परेशानियां हैं, कदम कदम पर आपको पांव जब रखेंगे तो आपको संभल के चलना पड़ेगा, लेकिन अंत में आपका भला होगा। अंत में आपकी डेस्टिनेशन में जब आप पहुंचेंगे तब आपको लगेगा वाह, मैंने जो मेहनत की मैं सही जगह पहुंच गया। और दुष्ट जब अपनी आंख खोलेगा तो अपने आप को नरक में पाएगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने धनवान और लाजर की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति धनवान था, बड़े धूमधाम से आराम से रहता था, ऐसे ही लिखा है, किसी की परवाह नहीं करता था। लाजर भी बाहर पड़ा था उसकी डेवडी पर, कभी उसकी चिंता नहीं की उसने, कभी सोशल वर्क की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी दूसरों के लिए बारे में नहीं सोचा, केवल अपने लिए सोचा। एक दिन धनवान मर गया। क्या हुआ? डेस्टिनेशन कहां पहुंच गया? लाजर भी मर गया। कौन? जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, लेकिन जीवन भक्ति में जिया। डेस्टिनेशन अब्राहम की गोद, अर्थात स्वर्ग। नीचे अधोलोक में पड़ा हुआ धनवान क्या कर रहा है? ऊपर देख रहा है। क्या देखा? अब्राहम की गोद में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो लाजर नाम का व्यक्ति है। बड़े सुकून के साथ गोद में बैठा हुआ है और वो वहां पर एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। आग है और कीड़े वहां का बिछौना है। कीड़े मरते नहीं है, आग बुझती नहीं है, समस्या ही समस्या है। पानी की प्यास लगी हुई है, एक बूंद पानी नहीं है वहां पर। और खुदा अब्राहम से वो विनती करता है। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो सुनना, आप जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनना। अब्राहम से उसने परमेश्वर से अब्राहम से उसने विनती की, लाजर को एक बूंद पानी लेकर मेरे पास
भेज दे। अब्राहम ने क्या उत्तर दिया, पढ़ेंगे भैया? परंतु अब्राहम ने कहा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, बोला क्या पुत्र? आप स्मरण कर, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका इस है। इस पर अंडरलाइन कर लेना, कौन सी आयत है भैया? ये लुका 16 उसका 25, लुका 16 और उसका 25 डाल दे बेटा। इस लाइन से आपको तसल्ली मिल जाएगी, ये लाइन आपको तसल्ली देगी, ये लाइन आपके प्रश्न का उत्तर देगी, ये लाइन आपके हजारों प्रश्न का उत्तर देगी। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, पढ़ो। परंतु अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने उससे कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, स्मरण कर, स्मरण कर, याद कर धरती पर कि तूने अपने जीवन में, जीवन अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। क्या अच्छी वस्तुएं ले चुका? तेरे अच्छी वस्तुओं का लेने का समय धरती पर था, तूने ले लिया। तूने अवैध धन कमाकर अपने लिए बिस्लरी की बोतल मंगवा ली। तू तो साधारण पानी पीता ही नहीं था, है जी? तूने अपने जीवन की हर अच्छी वस्तु को धरती पर पाया। और वैसे अब मिला आपको प्रश्न का उत्तर। जो इस धरती पर अच्छी वस्तुएं भोग रहे हैं, कैसे भी भोग रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब्राहम बोल रहा है तेरा अच्छी वस्तुओं का लेने का समय था और तूने प्राप्त की और तुझे मिली भी, परंतु आगे पढ़ो, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। हाँ। और वैसे ही लाजर, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, लाजर डनलप का गद्दा नहीं था, था क्या? बीमारियों से मुक्तला, गंभीर रूप से घायल था, रोटी का जुगाड़ नहीं था, था क्या? कोई इलाज कराने वाला नहीं था, कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाट लेते थे। देयर इज नो वन टू हेल्प हिम। बचा कुचा खाकर अपनी जिंदगी चला रहा था। लाजर को, लाजर के सामने भी यही प्रश्न होगा, मैं भक्ति से जीवन जीता हूं और ये रोज अवैध काम करके आता है, खुदा तू क्या न्याय नहीं करेगा? खुदा के घर में देर है माय डियर, अंधेर नहीं है, खुदा का न्याय आएगा। लाजर से परमेश्वर का बंदा बोल रहा है, अब्राहम बोल रहा है, लाजर के विषय में बोल रहा है, ये बुरी वस्तुओं में से, कठिनाइयों में से होकर गुजरा, लेकिन इसने रास्ता नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? उस रास्ते को जो था वो उसको पकड़े रहा। इसलिए आज कहाँ है, इसलिए आज कहाँ है, इसलिए आज कहाँ है, जोर से बोलो, अब्राहम की गोद में, अपने कठिन सफर में, अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के समय में। डरिए मत, कुछ आपको नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, आपके पड़ोसी के पास बहुत आ रहा है, वो आने दीजिए उसके पास, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, जो इस समय अच्छी वस्तुओं को भोग रहा है उसकी डेस्टिनेशन नरक हो सकती है, और नरक में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और अब्राहम को क्या मिल रहा है? अब्राहम की गोद में क्या है? सुकून है, आग नहीं है, कीड़ा नहीं है, पानी की प्यास ही नहीं है, वो स्वर्ग है। आपकी डेस्टिनेशन, भक्त की डेस्टिनेशन स्वर्ग है। कभी मत सोचना हमारी भक्ति बेकार है, कभी मत सोचना निर्दोषता के जीवन जिया बेकार जीवन जिया, क्योंकि आपकी मंजिल स्वर्ग है।
भक्ति बेकार, भक्ति बेकार, परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। लोग पता नहीं क्या क्या कहते होंगे लाजर को। लाजर का जीवन देखकर लोग क्या कहते होंगे, देखो खुदा की ताड़ना पड़ रही है, बड़ा भक्त बनता है, बड़ा हालेलुया करता है, खुद का तो बीमारी दूर नहीं हो रही, दूसरों के लिए प्रार्थना करता फिरता है। ऐसी कई फब्तियां जब लोग आपको कसें, कसने देना, बोलने देना, टेंशन नहीं करना, क्योंकि आपकी मंजिल आपको पता है। कहां आके पता चली, कहां आए जब आपको भेद खुला, प्रभु के भवन में आए, शिक्षा मिली। ये गुत्थी सुलझी कहां, यहां प्रभु के भवन में आए तो एक गुरु मिला, गुरु ने हमें ये भक्ति और अभक्ति का भेद समझा दिया, डेस्टिनेशन बता दी, तब हमारा दिमाग खुल गया, अब हमारे को समझ में आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता दुष्ट कितना भी बड़ा हो, कितना भी फले फूले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, भजन 37 का 36 पद पढ़ो, देखिए अब परंतु जब कोई उधर से गया, किधर से, जहां दुष्ट रहता था, दुष्ट का बंगला था, तो दुष्ट का निवास स्थान था, तो देखा, तो क्या देखा, कि वह वहां है ही नहीं। कौन? बंगला। कौन? दुष्ट वहां पर है ही नहीं, ना दुष्ट है ना दुष्ट का बंगला है। कौन उड़ा के ले गया, कहां चला गया? अब उस बंगले में लोग नहीं रहते हैं, भूत रहते हैं, क्योंकि घर तो यहोवा ही बनाता है ना। कई बंगलों को आपने देखा होगा, लोग उसको भूत बंगला बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई आदमी नहीं रहने वाला। आपके पास आस औलाद है, यह सबसे बड़ी आशीष है, नियामत है, उनको संभालो। वो जो परमेश्वर की नियामत है ना, उनको संभालो, ऐसा ना हो कि वो कहीं और निकल जाए। तो वचन कहता है, जब मैं वहां, कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा। और क्या कह रहा है? मैंने भी उसे ढूंढा, लेखक बोल रहा है, मैंने भी बहुत ढूंढा, कहां गया भाई, परंतु कहीं नहीं पाया, परंतु कहीं, किसको? दुष्ट को। दुष्ट को पवन उड़ा के ले जाएगा, हमें नहीं ले जा सकता। दुष्ट को क्यों ले जाएगा मालूम है? क्योंकि उसकी नींव, मूड। अय्यूब का 5 अध्याय उसका 3 पद पढ़ो। मूड जो होता है ना, मूड और दुष्टता में कोई अंतर नहीं है। और यीशु मसीह ने कहानी सुनाई, मैंने मूड को जड़ पकड़ते देखा है। क्या पकड़ते देखा? जड़ पकड़ते देखा है। परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। लोगों की हाय लग गई उस पर। आप जब अवैध पैसा घर में लेकर आते हो, कितनों की हाय लगती बताइए, बोलिए ना, नहीं होती है। आप भ्रष्टाचार करके बंगले पे बंगला बना लो, लोग क्या बोलेंगे? अवैध धन अपने घर में, अपने जीवन में मत आने दो, क्योंकि जब वो आएगा तो अपने लिए फिर से रास्ता बना के जाएगा, वो टिकेगा नहीं आपके पास। लेकिन अपनी मेहनत का 2 पैसा अगर आप घर में लेकर आओगे, वो ब्लेसिंग के साथ आएगा और वो रहेगा, फलोगे और फूलोगे। परमेश्वर आपको ऐसा बल दे
कि लोगों की हाय नहीं परंतु लोगों की ब्लेसिंग बटोर। बुद्धिमान ने अपना घर गहरी नींव डालकर बनाया और मूढ़ ने यानी दुष्ट ने अपना मन अपना घर बालू रेत पे बनाया, उड़ गया। लेकिन धन्य आप, आपके तो वंश को भी संभालने के लिए बोलता है। कितनी बढ़िया बात है। आइए अपने स्थान पर खड़े हों और हम दुआ करें कि खुदा हमको ऐसा बल दे कि हम टिके रहें, प्रभु के मार्ग में बने रहें, इस बात से भागे नहीं कि दुष्ट फल रहा है, फूल रहा है और मैं कुड़ रहा हूं। कुड़िए मत।